बिल्कुल नहीं, ज़्यादा नहीं है कोई भी हो, बस YouTube फैमिली गुड मॉर्निंग। और अभी मैं हूँ सोनमार्ग में और मैंने चेकआउट कर लिया है और आप व्यू देख सकते हो पीछे। तो ये व्यू यहाँ का आखिरी होने वाला है और अभी मैं निकलने वाला हूँ श्रीनगर के लिए। और श्रीनगर है यहाँ से अराउंड 85 टू 90 किलोमीटर्स, हमें लगेंगे 2 आवर्स अप्रॉक्स। और सब फ्रेंड्स निकल गए सुबह कार में से, क्योंकि उनका बाइक जो है वो यहाँ पर ही लास्ट स्टॉप था सोनमर्ग का। और यहाँ से श्रीनगर वो लोग कार से जाने वाले और उधर हम लोग का 2 दिन का स्टे लेने वाले हैं। तो तभी मैं फाइनल करूँगा मेरा कि का फिर से बाइक से ही घर पे जाना है पुणे महाराष्ट्र, या फिर ट्रांसपोर्ट करके फ्लाइट से ये लोग के साथ ही जाने का है। तो पेरेंट्स बोल रहे कि आ जा करके बहुत हो गया तो मैंने भी सोचा कि बस हो गया करके निकलते हैं फ्लाइट से और ट्रांसपोर्ट करते, तो उधर जाके सब देखते हैं क्या क्या है ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस। और जाने का मन नहीं कर रहा यहाँ से, क्योंकि इतना सुंदर है, पर घर वालों की याद भी आ रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। आएंगे फिर से अगले साल, सोच रहे हम हमारी किया जो है कार वो लेके आएंगे, स्पीति वगैरह करेंगे। बाय सोनमार्ग, मिस यू, रिलैक्सिंग रहा यहाँ पर। ये हॉर्स राइड करना था, एक मैंने पूछा था हॉर्स राइड यहाँ से किधर, तो बहुत सारी शूटिंग हो गई है बजरंगी भाईजान एंड और बहुत सारी मूवीज, 50 मूवीज़ की शूटिंग हुई है, तो वहाँ पर जाना था हॉर्स राइड करते हुए, पर टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही इतना पीछे चल रहा है आइटिनरी के। अभी आइटिनरी तो ख़त्म हुई, हम हमारे बादशाह है अब, मतलब मस्त एकदम ये सब माउंटेन्स एंड ऑल, और उसके बीच में ही ऐसे घर गांव टाइप साइड से रिवर फ्लो हो रही है। वाह, पहाड़ पहाड़ पहाड़, आई मिस यू यार। पानी का कलर देखो यार, क्या खूबसूरत दिख रहा है। यार मुझे पेट्रोल का टेंशन आ रहा है यार, पूरा ही पे गाड़ी, गाड़ी मेरे साथ कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ और गाड़ी कभी भी बंद पड़ सकती है मेरी, और पेट्रोल पंप भी नहीं मिल रहा है मुझे। मैं ये फ्लो में मतलब देखते देखते मैं भूल भी गया पेट्रोल के बारे में, पेट्रोल पंप ढूंढते यार पहले तो, अभी टेंशन आने लग गया है। पूछो किसी को, कोई भी इधर रुका नहीं है, सब अपना रनिंग गाड़ी में ही है। होप पंचर ना हो, क्योंकि हमारे साथ बैकअप व्हीकल नहीं है। अभी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस, 22 डिग्री टेम्परेचर है अभी। वाओ, OMG, जस्ट लुक एट द फ्लो। टैंकर क्या दिख रहा है, ह्यूज। ओ भाई, सोनमर्ग का चेक पोस्ट, तो हल्की सी ट्रैफिक है हमें श्रीनगर जाते टाइम। फाइनली मिल गया पेट्रोल पंप, पूरा ई के भी नीचे आ गया था, मतलब ऑलमोस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे पेड़ ही पेड़ है सब चारों जगह पे, काफी बड़े और मैसिव पेड़ है, वो दूर से छोटे दिखते रहेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन की कुछ कमी नहीं है, और श्रीनगर बचा है 68 किलोमीटर, पेट्रोल भी भरा दिया है। गाइस रोड इतने अच्छे हैं और इतना मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, क्या बोलूँ मैं आपको, मस्त मज़ा आ रहा है एकदम। ओ ये सब श्रीनगर से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने मिलिट्री की गाड़ी है, सबके हाथ में गन है, और काफ़ी पुलिस और आर्मी के लोग हैं यहाँ पर, के लाइसेंस चेक कर रहे हैं। काफ़ी पुलिस है और आर्मी भी है अपने, जो आते हुए काफ़ी अभी तक ऑलमोस्ट हमने कुछ सभी 30 किलोमीटर्स कंप्लीट किए होंगे। 30 किलोमीटर्स में मुझे अराउंड 4 to 5 चेक पॉइंट्स मिले, हमें तो रुका ही नहीं, कुछ कुछ कार के चेकिंग हुई जो श्रीनगर से आ रहे सोनमर्ग जाते टाइम, तो कोई चेकिंग नहीं हो रही किसी के कार की ना बाइक की, तो काफ़ी चेक पॉइंट है आज, काफ़ी स्ट्रिक्ट किया उन्होंने। क्या हुआ है यार, कुछ तो सीन हुआ है शायद से, ओके तो हमें तो किसी ने कुछ कहा नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओ उनके गन से अभी हम टकराने वाले थे।
तो चलिए थोड़ा सा ऑफ रोड करते। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, अभी आपने उधर जाना है। शिट, ये सर जी को पूछते हैं। श्रीनगर, श्रीनगर बाईपास जाना है तो इधर से, और श्रीनगर सिटी में जाना है तो इधर से। तो काफ़ी ट्रैफिक है, आप देख सकते हैं। श्रीनगर बचा है 30 किलोमीटर, तो एक वहाँ से स्ट्रेट रोड जाता है और यहाँ से लेफ्ट, तो नेविगेशन ने हमें लेफ्ट कहा यहाँ से जाने को, तो ऐसे कुछ ब्रिज लगा हमें, काफ़ी गंदा हो गया है। आई होप ये रास्ता अच्छा होगा। श्रीनगर बचा है 32 किलोमीटर्स, 53 मिनट्स लगेगा हमें पहुँचने को। सो फार सो परफेक्ट। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर, 36 डिग्री सेल्सियस हो गया है। कहा हम 15-16 से डायरेक्टली 36 डिग्री सेल्सियस में आ गए। तो ये और एक रोड लगा हमें, तो हमें जाना है लेफ्ट, यहाँ से स्ट्रेट दिखाया जम्मू श्रीनगर, यहाँ से स्ट्रेट। तो श्रीनगर यहाँ पर 6 किलोमीटर बता रहा है स्ट्रेट, एयरपोर्ट है 15 किलोमीटर और हमें जाना है दल लेक जो है 20 किलोमीटर्स फ्रॉम योर, इसमें 14 किलोमीटर बता रहा है 37 मिनट्स। तो राइट साइड का जो रोड है वो जाता है जम्मू को, विच इज़ 269 किलोमीटर्स ये रोड है वो, और हमें जाना है स्ट्रेट फॉर श्रीनगर। गूगल हमें कुछ ऐसे रोड से लेके जा रही है अभी। मोबाइल बसते बसते गिर गया, क्या बोला तूने? अरे मोबाइल गिरते गिरते बच गया। तो गूगल मैप ने मुझे ये रास्ता बताया और आप देख सकते हैं ये कितना सा रास्ता है, छोटा सा, और पूरा दोनों साइड मुझे पानी पानी पूरा चारों तरफ, और इतना ख़राब रोड है और कोई भी नहीं रोड पे। अब भी एक बुलेट वाला गया, बस उतना ही। आप देख सकते गाड़ी यहाँ पर लगाई है। आई होप ये आगे निकलेगा रास्ता, क्योंकि गोप्रो भी मेरा बैटरी ख़त्म हो गई है दोनों। नेवर ट्रस्ट गूगल। यहाँ पर रोड पे कोई भी नहीं है और रोड भी इतने गंदे रोड है यहाँ पर, आप देख सकते हो इतने गंदे रोड है, मुझे चलाना नहीं आ रहा है गाड़ी लिटरली यहाँ पर। एक तो यहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस हुआ है और मैंने पूरा गेयर पहना है, इतनी गर्मी हो रही है और दोनों साइड में पूरा दलदल टाइप होता ना पानी और दलदल, ऐसे पूरा दोनों साइड में। अरे गाड़ी वाला दिखा आधे घंटे बाद, इसको पूछते रोड है क्या आगे। अरे बाप रे, चलो अंकल रुक गए हमारे लिए। तो काफी खराब रास्ता है ये। हाँ रोड बहुत खराब है सर जी, ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, इससे भी ज्यादा खराब। वहाँ कैसा है, इधर बाहर निकलने को कितना टाइम लगेगा? अरे यार इधर से बहुत खराब रोड है, ऐसी रोड खराब है पूरा। 5 किलोमीटर हैगा, 5-6 किलोमीटर। हाँ ऐसे ही रोड है पूरा खराब। ओके बाय। जो गाड़ी चलाने नहीं आ रही यहाँ पर, एक तो ये सब पैंट पहना है, जैकेट पहना है, गाड़ी पे लोड है, शायद से गाड़ी का जो लोड है वो एक साइड पे हुआ है पूरा, इसके लिए मुझे मुझसे चलाना नहीं हो रहा है। अरे यार शिट, क्या बकवास नेविगेशन है ये गूगल मैप्स का, आप देख सकते हो कितनी दिक्कत हो रही है मुझे बाइक चलाने में। शिट, बाहर से ही जाना चाहिए था। क्या हो रहा है ये, मैं तो पूरा पसीने से भर गया हूँ इतनी गर्मी है यहाँ पर। आप सोच सकते हैं 42 डिग्री सेल्सियस है और उसमें मैंने जैकेट, ग्लव्स, राइडिंग पैंट, राइडिंग शूज सब कुछ पहना है, और ये रोड की हालत तो देखो क्या हो गई है, इतना खराब रोड कैसे क्या यार, गूगल मैप्स कैसे क्या बता सकता है यार ये। तो भी मैंने 2-व्हीलर का चेंज करके 4-व्हीलर किया था, तो क्या 4-व्हीलर यहाँ से जाएगी क्या? कुछ भी दिमाग घुमाता है पूरा मेरा, बस गाड़ी का टायर पंचर नहीं होना चाहिए। पीछे तो काफ़ी मैंने शूट नहीं किया, उधर तो बहुत डेंजर, ब्रिज वगैरह टूटे हुए ब्रिज, उस पर से डाला मैंने गाड़ी। देखिए वो अंकल ने भी कहा था कि अराउंड 2-5 मिनट लगेंगे
और ये 2-5 मिनट भी बहुत मुश्किल हो रहे हैं मेरे लिए। एक तो गाड़ी इतनी हीटअप हो चुकी है, पूरा गर्म हवा मार रही है गाड़ी, क्योंकि मैं पहले गियर पे ही चला रहा हूँ आधे घंटे से। मैंने सोचा आज एडवेंचरस नहीं है, पर आज काफ़ी एडवेंचर हुआ गाइस। मेरा पूरा बॉडी एक हो रहा। हम लोग ऑलमोस्ट श्रीनगर पहुंच चुके हैं और 3651 किलोमीटर्स हुआ है हमारा। ये कहाँ से लेके आया गूगल मैप्स, OMG गलती हो गई। अरे मेरे फ्रेंड्स पहुंच जाएंगे, आधे लोग गए एयरपोर्ट, आधे लोग आ जाएंगे। अभी यहाँ से किधर जाना है यार, थक लो। अरे हाउस बोट किधर है, ऐसे ताने के रहे थे ना वहाँ पर, पोस्ट चेक पोस्ट के आगे। सब आर्मी वाले उतर रहे हैं। यहाँ से जाना अलाउड है या नहीं, मुझे तो इतना डर लग रहा ना। चारों तरफ पुलिस आर्मी, पुणे के आर्मी ऑफिसर मिले थे तो उनसे मैं बात कर रहा था, मुझे पानी वगैरह पिलाया। और मुझे ये फिर से क्रॉसिंग करना पड़ रहा है पास। हाँ लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट से जाना है क्या। गाड़ी हल्का सा जर्क मार रही है और 20 मिनट्स पे ही सब फ्रेंड्स है आगे, तो वो लोग शायद से उधर। अभी मैं भी पहली बार, मतलब बचपन में फैमिली के साथ आया था, अभी ऐसे बाइक पे तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे वैसे। यहाँ पर 23 मिनट्स बता रहा है, 9.2 किलोमीटर्स। यहाँ कहाँ जा रहे हो? अभी डल लेक जा रहा हूँ। डल लेक यहाँ से नहीं, हजरतबल से होके जाना पड़ेगा, 2 दिन के लिए यहाँ से नहीं छोड़ते। अरे सर जी मैं अभी वहाँ से आया ऊपर, बिल्कुल नहीं ज़्यादा नहीं है, कोई भी हो बस। यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, हमें कोई अपना है तो ये अंदर से रोड नहीं जाएगा कहा सर। यहाँ तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आने वाले, उन्होंने कहा तो हम जहाँ से वो चेक पॉइंट छोड़े वहाँ से फिर से हमें वहाँ से ही जाके जाना पड़ेगा स्ट्रेट। शिट, पूरा अभी ये फिर से घूम के उधर ही बता रहा है 25 किलोमीटर, 25 मिनट बता रहा है वही। अरे यार क्या है यार, ये 2 दिन के लिए रोड बंद कर दिया उन्होंने। अभी मैं बीच में ही अटक गया हूँ, यहाँ पर पूरा घूम के जाना पड़ेगा। अभी ये पूरा सिटी जो है ये पूरा ऐसे घूम के मुझे वो साइड से जाना पड़ेगा। तो यही से वो जो ऑफ रोड था, हम लोग वहीं से आए थे, बाहर लेफ्ट लिया, आगे गए, फिर से घूम के आए दूसरे रोड से, क्योंकि वन वे था। आगे गए हम लोग ऑलमोस्ट 15-20 मिनट चला के, वहाँ से वो लोग बोल रहे अभी अलाउड नहीं है। जो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी, एक तो इधर नया हूँ पहले मैं, एक तो मैं अकेला हूँ। अभी पूछते जिनको मैं मिला था, चाकन के थे वो, ते पूर्ण सोडत नाही आहे मला तिकडनं, नाही सोडत आहे मग इकडनं जाऊ का असं। ठीक आहे चला, थँक्यू, ओके जय हिंद। एक तो गर्मी इतनी आहे यहाँ पर, 42 डिग्री सेल्सियस हुआ है अभी, मुझे चक्कर जैसे हो रहा है। फिर से यहाँ पर चेकिंग नहीं किया तो अच्छा होगा अपना, पता नहीं यार। अभी चलो 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 चलो, पूरा ग्रुप रहेगा तो कुछ टेंशन नहीं, मैं अकेला ही हूँ, अपने को कुछ पता नहीं यहाँ का। मेरा एक तो रेंज गया और यहाँ पर काफ़ी पुलिस से पकड़ रहे लोगों को, लाइसेंस एंड ऑल डॉक्यूमेंटेशन के लिए। आई होप हमें ना पकड़े। ये हम प्रॉपर डल लेक की इधर पहुँच चुके हैं एट लास्ट, इतना गोल घूम के ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे मुझे पूरा वो गोल घूम के आने को जैसे। और टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, 43 डिग्री हो गई अभी, और मेरा सिर दुखने लग गया। एक तो नाश्ता भी नहीं हुआ ठीक से, और 3 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं सब फ्रेंड्स के इधर। देखते मेरा एक तो नेट भी नहीं चल रहा, मैं कॉल कैसे करूँगा अभी।